आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। बेतिया जिला पश्चिम चंपारण बिहार रिपोर्ट। रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत से मुखिया पद से अफसर इमाम के जीतने से पंचायत के लोगों में उत्साह। ग्रामीणों ने कहा कि अफसर इमाम समाज सेवा में सबसे आगे रहे हैं। गरीबों के सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करते हुए हर समस्या का समाधान करते हैं। आज जनता अपना समर्थन देकर मुखिया बनाया है तो निश्चित रूप से पंचायत में विकास होगा। अफसर इमाम ने कहा कि मैं जनता के भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। बिना किसी भेदभाव के विकास होगा, किसी तरह का उगाही नहीं होने दूंगा। मौके पर लवेदी खान रसूल, मोहम्मद मौलाना निसार, मुराद अंसारी, भूखल राम वकील खान समेत दर्जनों ग्रामीणों ने अफसर इमाम को ईमानदारी और गरीबों की मदद करने वाला बताया। लाइव टीवी समाचार के लिए बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। मैं सभी भाग पंचायत के जनता को तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर मुझे वोट देकर काफ़ी वोटों से विजयी बनाया। उन्होंने जिस तरह मुझ पर विश्वास कर वोट दिया, मैं बिना भेदभाव के सभी जनता का भलाई करूँगा, यथाशक्ति करूँगा कि जहाँ जो भी परेशानी हो वह हमसे कहेंगे, हम वहाँ जाकर उन लोग की हर परेशानी का समस्या का समाधान करूंगा। इस पंचायत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इस पंचायत में दो गांव ऐसा है, कुड़िया और फुलवरिया मसान टोला, जहां स्कूल की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले मेरा उसी पर ध्यान है कि ये बच्चे का भविष्य का सवाल है। उस स्कूल को मैं जिस मैंने विधायक के माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, मैं पकड़ कर वहाँ स्कूल का निर्माण करूँ, सबसे पहले मेरा यही अथक प्रयास है। उसके बाद बहुत सारे जनता ऐसे हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं है, उन लोग पर ज़्यादा ध्यान दूँ। उसके बाद इंदिरावास रोड नाला आता है, उसके बाद इस पर ध्यान दूंगा। यहाँ के दलित महादलित के लिए जो सरकार से जो भी सुविधा होगा उसको मैं यथाशक्ति दिलाने के लिए कष्ट करूँगा। ग्राम पंचायत राज भौल का निवासी हूँ। मैं रानू सिंह जी का समर्थक रहा हूँ और ये बहुत ही पहले से गरीबों और भी जितने भी असहाय समूह की बहुत तहे दिल से मदद करते हैं, जिनका कारण है कि सब लोग इनको चुने और ये बहुत ही धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो कि भावल पंचायत का बहुत ही विकास मतलब सभी लोगों का आशा है कि करेंगे, और सभी लोगों ने इनको चुना। युवा व्यक्तित्व हैं मालिक ये, और जितने भी विकास के कार्य हैं सबों को विश्वास है कि ये उसको पूर्ण करेंगे और भावल पंचायत का विकास तहे दिल से करेंगे। होगा ये मुखिया पद तो आ जाइए, लेकिन मुखिया नहीं रहे तब भी भावल पंचायत में जिस भी मतलब इनसे अथक प्रयास करके समूह का विकास किया है इन्होंने, जिस तरह की भी मदद की जरूरत पड़ी है वो बहुत पहले से ये करते आए हैं, जिसका नतीजा है कि भावल पंचायत में सभी लोग इनको आज मुखिया पद के लिए योग्य उम्मीदवार समझे और वोट दिए। भावल पंचायत की जनता के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज मुखिया पद रानू सिंह जी के पास है और इन का जो भी कार्य है उसको ये अपने तहे दिल से करेंगे, और सभी लोग ऐसे ही व्यक्तित्व के मालिक को मतलब हमेशा चुने मुखिया, जो भी है मतलब पैसा लेके या कुछ ऐसा कुछ कर नहीं करें, सही व्यक्तित्व के मालिक को चुने और मुखिया मतलब जो भी हैं उनको ये अपने अपना के प्रति वफादार रहें। पंचायत राज भावल आदरणीय रानू बाबू को समर्थन में हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो बहुत दिन पहले से चुनावी माहौल से पहले से गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे, आम जनता का सेवा किया, ये सराहनीय लोग हैं, सराहनीय पल है, और यही कारण है कि हम सभी जनता जनार्दन अपनी अपार बहुमत से इनको विजयी बनाएं और ये हमारे पंचायत का विकास करें। और पंचायत सुमन जी क्या लगता है आपको? लोगों को संपूर्ण मतलब आत्मविश्वास है, क्योंकि हम लोग इस मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस पंचायत से पहली दफ़ा मैंने एमए पास किया था इस पंचायत का, तो इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छा लगा, इनसे पहली मुलाकात में भी जब हम पूछे कि आप क्या चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, तो इन्होंने बताया कि पांडे जी यह पंचायत शिक्षा के मामले में बड़ा पिछड़ा हुआ है और यहाँ शिक्षा के उत्थान के लिए हमारा पहला कदम होगा, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी पहल है। यहाँ आज भी शिक्षा का दर बड़ी नीचे है, तो ये अगर ऐसा करते हैं सर, उम्मीद है कि करेंगे ही करेंगे,
तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनता के प्रिय नेता हैं, युवा नेता हैं, और हमको लगता है कि ये इनसे समस्त जनता खुश है और इनके विपक्ष में कोई था ही नहीं, ऐसा महसूस हुआ। चुनावी माहौल में इनको लोगों ने एकदम खुले विचार से वोट दिया और अभिनंदन किया, स्वागत किया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।